नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक छोटे बाथरूम की फिटिंग और उसमें ये क्रॉस वेंट कैसे लगाया जाता है ये दिखाना चाह रहा हूँ। बने रहिए कृपया मेरे वीडियो के साथ। ये इस तरीके से जो क्रॉस वेंट दिखता है ये कैसे लगता है इसका दिखाते हैं आपको। किचन बाथरूम में ले जा जी बाथरूम में मिक्सर की फिटिंग भी दिखाएंगे इस वीडियो में। कृपया पूरी ज़रा ध्यान से सुनिएगा, पूरी देखना वीडियो। चलिए, ये इस तरीके से हमारे ये मिक्सर के पॉइंट बने हैं, ये गीजर का है। और आगे बढ़ के हम दिखाएंगे, यहाँ से हमने लाइन ले रखी है। फ़िलहाल ये पुरानी लाइन थी तो हमने ऐसे कटआउट करके अपने नए तरीके से बाथरूम में फिट करने के लिए, यहाँ पे इंग्लिश सीट है तभी निकासी बनी नहीं इसकी आएगी। ये दो पॉइंट है, ये क्रॉस बैंड है देखिए। और पहला पॉइंट है फ्रेश पानी का मोटर वाला, दूसरा टंकी पानी का है और तीसरा है गीजर का। तो इससे ऊपर ठीक बनाया गया है हमने ये शावर का। और कही जाए इन दोनों मिक्सर के बीच में गैपिंग है 6 इंची की और हाइट है इनकी 38 और ये क्रॉस बैंड है। मैं अपने प्लम्बर भाइयों को बताना चाहूँगा कि कभी भी आप लोग फिटिंग करें तो अपने जो पॉइंटों की जगह है वहाँ भाई किसी सीमेंट का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि ये जो हमारे पॉइंट है ये अच्छे से रह जाए और कोई प्लस्तर प्लस्तर में हिलाए ना। ये इस तरीके से देखिए ये सीमेंट लगाया जा रहा है। इस तरीके से हमने सीमेंट लगाना है और सीमेंट लगा के अच्छे से इन्हें पैक करके सेट करके छोड़ देना है। पानी डाल के हमने चेक कर दिया गया है, अभी ये पानी की लाइन हो चुकी है चेकिंग। अब सीमेंट लगा के हम इसे सेट कर देंगे, फिर हमारा काम हो जाएगा फ़िलहाल का ख़त्म। बाद में आएंगे हम फिनिशिंग में, अभी इसमें फ़िलहाल हम इन्हें तैयार करके छोड़ देंगे। अगर ये मेरी जानकारी अच्छी लगी है तो कृपया मेरे चैनल के नीचे दिए गए रेड बटन को दबा के सब्सक्राइब कीजिए और अंगूठे के बटन को दबा के मेरी वीडियो को लाइक करें। और अगर ज़्यादा अच्छी लगी तो दोस्तों में शेयर करना, मैं आपके लाइक और शेयर से मेरा हौसला बढ़ेगा तो मैं और बहुत सारी वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए। इन्फॉर्मेशन नए जो प्लम्बर भाई बन रहे हो वो लोग ज़रूर सुने। बहुत बहुत धन्यवाद।